आदेश अनुसार कार्यक्रम को अपनी ओर से प्रारंभ कर रही हूँ। जय हो। सबसे पहले प्रांगण में उपस्थित हमारे कीर्तन प्रेमी बंधुओं को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। जय हो। स्वागत है आप सबका, हृदय से अभिनंदन वंदन है। दूर दूर से आज ये जवाबी कीर्तन का आनंद लेने के लिए हमारे कीर्तन प्रेमी बंधु उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत अभिनंदन है। मैं कल्पना द्विवेदी भिंड मध्य प्रदेश से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज सहयोगी कलाकार की भूमिका में आदरणीय श्री बांके बिहारी जी उरई जालौन से उपस्थित हैं। आप और आपके कुशल साथी कलाकारों का हृदय से अभिनंदन है। स्वागत कर रही हूँ आदरणीय भैया हमारे दीपू चौहान जी और जो इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, समस्त ग्रामवासी जो इस भव्य आयोजन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे उपस्थित होकर के, आप सबका मेरी ओर से अभिनंदन वंदन है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यहाँ 7 वर्षों से चला आ रहा है। 7 दिवसीय ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आनंद आप लोगों ने लिया है। आज जवाबी कीर्तन का आयोजन आपके इस ग्राम में भैया जी के द्वारा कराया जा रहा है। बेहतरीन साउंड व्यवस्था जिनके द्वारा मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, भैया जी का ढेर सारा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज ये कार्यक्रम आप हमेशा सुन सकेंगे YouTube के माध्यम से, KS म्यूजिक चैनल के माध्यम से आप ये कार्यक्रम हमेशा सुनेंगे। भैया हमारे संजय भैया जी जो फिरोजाबाद से उपस्थित हुए हैं, आदरणीय भैया जी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आगमन के लिए। मेरी ओर से ये जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम शुभारंभ हो ऐसा आज सबका आदेश हुआ है, तो लीजिए बिना किसी विलंबता के साथ मैं कार्यक्रम को अपनी ओर से प्रारंभ कर रही हूँ। कीर्तन की कुछ औपचारिकताएं हैं, उन्हें मैं सूक्ष्म रूप से पूर्ण करूंगी। निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग भी बैठ जाइए, क्योंकि ये घंटे दो घंटे का कार्यक्रम नहीं है, पूरी रात्रि ये कार्यक्रम चलेगा। आइए, आप सभी से निवेदन है कृपया आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। हाँ, आइए सामने बैठ जाइए, पूरी रात का कार्यक्रम है ये। अगर आप सोचेंगे भी कि हम लोग जल्दी बंद कर दें, लेकिन हम नहीं करेंगे, पूरी रात सुनिए। कीर्तन की कुछ विधाएं और तरीकताएं हैं। सबसे पहले आदिदेव महादेव के सुपुत्र श्री बाबा गणेश का आवाहन, माता सरस्वती का आवाहन, जय हो। तत्पश्चात सवाल जवाब, जवाब सवाल, आप लोग रात्रि भर आनंद लेंगे। एक आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ कि रात्रि भर में अगर हम बच्चों से कुछ त्रुटियां हो जाएं, तो अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम प्रारंभ है। कल्पना द्विवेदी भिंड मध्य प्रदेश। बोली श्री गणेश भगवान की जय। आदिदेव महादेव की जय। प्रेसुल रामचंद्र की जय। प्रेसुल जनक नंदिनी मैया की जय। प्रेसुल लखन लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कन्हैया लाल की जय। सिराधरानी सरकार की जय। गौ माता की जय। गुरु भगवान की जय। सभी देवताओं की जय।
इसलिए अपनी अपनी माता की जय। जयकारा मां तेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। आइए साज और आवाज के साथ कार्यक्रम प्रारंभ है मेरी ओर से। Thank you.
आनंद आएगा। बिल्कुल आप लोग रात भर आनंद लेंगे। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे करीब बैठ जाइए आप, क्योंकि अब कोरोना खत्म है, वैक्सीन भी बन गई, अब चिंता ना करो। एक बार फिर से आप सभी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, जय राम जी की, एवं अभिनंदन वंदन है सभी का। बड़ा सहयोग होता है एक कार्यक्रम कराने के लिए, आप सबका बिल्कुल आदरणीय भैया हमारे श्री दीपू चौहान जी, क्या बात है चौहान साहब, और आप सबका सहयोग है जो ये कार्यक्रम हो रहा है। तो चाहूंगी कि कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूं, उसके पूर्व एक बार बड़ी जोर से जय घोष करिएगा, जिससे कि लगे कि जवाबी शुरू हो गई है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। अभी जयकारे में आनंद नहीं आया और क्या बचे, और जब तक जयकारे में आनंद नहीं आएगा तब तक गाने में आनंद नहीं आएगा। सौ फीसदी सही बात है। बोले कन्हैया लाल की जय। हमको लग रहा सर्दी के मारे हाथ नहीं निकल रहे। चलिए मन से आप मेरे साथ रहिएगा। जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है, चाहे कल्पना द्विवेदी हो, चाहे बागे भाई जी हो, कोई भी कलाकार हो, सबसे पहले स्वरों के अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। कहते माँ माँ, आज आपके दरबार में हम भक्त आए हुए हैं। हाँ। आज हम दोनों कलाकारों को बुला तो लिया है। हाँ। लेकिन जब तक आपकी मेहरबानी नहीं होगी माँ माँ, तब तक हम कलाकार नहीं है ना। तो आइए और दोनों कलाकारों की बाड़ी में विराजमान हो जाइए। क्या बात है, क्या बात है, कितनी बढ़िया सोच, जिससे कि आज का कार्यक्रम सफल हो सके माँ। देखिए ये सबसे पहला पुरस्कार, क्या बात है भाई श्याम भैया जी, जिनकी ये बेहतरीन साउंड व्यवस्था है, आप लोग सुन पा रहे हैं, हम लोगों की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं भाई श्याम भैया जी, डीजे साउंड सर्विस कुठौन, क्या बात है। ये 21 पद मुद्राएं आपकी तरफ से भेंट हुई हैं, ढेर सारा धन्यवाद है। एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।
धन्यवाद। 7 दिन से लगातार इन्हीं के द्वारा आनंद मिल रहा है, बाकी ईश्वर की कृपा तो है ही। माँ, जब तक संतों की कृपा नहीं होती है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, तो बुला रही हो माता रानी को और चाहती क्या हूँ मैं? अरे माँ, माँ बस इतना चाहती हूँ क्या कि संतों की बस चाहूँ संगत। सेवा में स्वीकार कर लीजिए, मेरा अंग अंग आपकी सेवा में समर्पित हो जाए। किस तरह से? कैसे? नैन सदा ही माँ का दर्शन करे, मन से मन ये सदा
उसका कारण है। क्या? तुम ही हर कलाम है, तुम ही हर कलाम है, माँ पारंगत। माँ भगवती जीवन पारंगत। और माँ और क्या क्या चाहती हो, किस तरह से स्वीकार करें माँ? अरे शीश तेरे चरणों में झुकता रहे, बहुत सुंदर, अति सुंदर, ओरिजिनल 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 होता है बिल्कुल। जो आप बजा रहे हैं, कई लोग इसकी नकल करके बजाएंगे अलग बात है, लेकिन जो आप बजा रहे हैं वाकई कोई नहीं बजा सकता। नकल बहुत लोग करेंगे, सुनिए सुनिए। अरे माँ माँ चाहती हूँ कि मेरे सभी साथी कलाकारों पर, हमारे भाई बाके बिहारी जी, उनके सभी कलाकारों पर आपकी मेहरबानी रहे। चाहती क्या हो? अरे शीश तेरे चरणों में झुकता रहे और सदा ज्ञान का सूरज उगता रहे। अरे पीड़ा के तार
रही हूँ माँ माँ मा। मिला मोक्ष उसी को, मिला मोक्ष उसी को जो शरणागत हो। माँ भगवती हेलो महाभाई के चरणों में कुछ पंक्तियां कुछ मंगलाचरण में पढ़ूंगा आप लोग सभी सुने। शारदे चूमता हूं तुम्हारे पाद पद्मों को हार दे विजय का डाल हृदय हमारे भी बस निर्भय बना की विश्वरण में उतार। कीर्तन एक साप्तिक आनंद है बिल्कुल बिल्कुल उसको सुनिएगा आप सभी लोग। तार दे संभाल मंजू मानस की बीड़ा के जान अनजान दोष उर से विसार दे। क्या कह सार दे हमारे काज सार दे स्वर सरगम का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उत्तम पर पाड़ी मां कृपा की पसार। क्या बात है। कारण प्रेम की प्रतीत प्रतीत पाद पावन में पारस परस प्रसाद पीयूष पिला दो माँ। पड़ा हो पाप के पंख में पंकिल सा तो प्रसार दो पराग पदम पुष्प सा खिला दो। जय हो। ये कीर्तन जवाबी जो आप लोग देख रहे हैं इसमें हमारे आयोजक जो है दीपू भाई चौहान उनकी सभी कृपा है जो हम लोग यहाँ पे पधारे हैं। बेस देख लीजिए ढोलक और उन्हीं की कृपा से ये उन्हीं के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। की प्रगति पंचायत में पावन पुण्य प्रतिमा पूर्णमा पिघला दो। पदों की पंक्ति पोषित प्रभा से प्रभा मानस। वाह भाई वाह। तो चक्षुओं के पक्ष पक्ष धर से फैला दो। क्या बात
क्या अनंत शब्द कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर कीर्तनकार एक माध्यम लेता है फिल्मी गाने का, बिल्कुल सही। कुछ पंक्तियां फिल्मी गाने ऐसी पढ़ देते हैं जिन्हें कीर्तनकार पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर लाइनें होती हैं और उनकी लाइन भी सार्थक हो जाती है। जो वहां भी बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं लिखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी लगता है कि चलो हमारी कोई पंक्ति गा रहा है तो पंक्ति सार्थक हो रही है। तो फिल्म में पंक्तियां पहले सुने आप। गीत आप स्वयं ही समझ जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सही बात सुनिएगा। भक्त बोला है मां हमसे रूठी हो क्यों है कथा क्या हुई कारण क्या है विलंब क्यों हो रहा है और बिना आपके कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए आपका तो आना अनिवार्य है और मैं निमंत्रण भी दे रहा हूँ कि हम बच्चों के कंठ पर विराजमान हो जाओ माँ। बिल्कुल बिल्कुल जय हो मैया। हमसे रूठी हो क्यों है कथा क्या हुई माँ ज्ञान का दीपक जलाओ माँ ज्ञान का दीपक जलाओ छुपाने को ममता का आंचल बढ़ाओ माँ मान जाओ को आना ही पड़ेगा क्योंकि माँ के सिवा उसको कोई सुहाता नहीं है। सारा संसार झूठा है, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, इसलिए एक सहारा तू ही है माँ। भक्त बोला है माँ जय हो। ये भोले बाबा का डमरू सुन रहे हैं आप, क्या बात है रविंद्र भाई, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश।
बहुत बढ़िया। माँ भाई के चरणों पर 101 रुपए का पुरस्कार हमारे दीपू चौहान के छोटे भाई भैया दीपू चौहान पधार चुके हैं नेमतपुर वाले, और हमारे ये भतीजे भी लगते हैं, ये 101 रुपए दे रहे हैं माँ भाई, इनका भंडार भरा रखें। लेकिन किस बात पे सुनिएगा, सुनिए आपने इसलिए कहना पड़ा, तुम से परे कर मेरा आसरा कौन है, तुम से परे कर मेरा आसरा कौन है, मैया भक्ति सुनेगा माँ भाई की छोड़ा भाई। भक्त बोला है माँ ये संसार छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन आपने छोड़ दिया तो गजब हो जाएगा। कहना है भक्त का क्या, छोड़ तुमने दिया Mom।